हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रैमन फैक्ट्स। गाइज, आज रिएक्शन होने वाला है फनीस्ट क्रिएटर्स ऑफ टिकटॉक पार्ट 8। ये वीडियो बदला ब्रदर की तरफ से, इसी कुछ पार्ट्स पर हम पहले रिएक्शन कर चुके हैं, एम्ब्रोज रिएक्शंस पर जाके देख सकते हैं आप। सो ये वीडियो के लिए काफ़ी डिमांड थी और काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं टिकटॉक देखने में फनीस्ट क्रिएटर्स, इनकी जो सीरीज़ है बहुत ही कमाल की है। एग्जैक्टली। सो देख लेते हैं, आगे करेंगे डिस्कशन। फिर भी को बेबी हो गए रेडी? बस मेकअप कर रही हूँ। तेरे को मेकअप की जरूरत ही नहीं है बेबी, तेरे को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। जी मच्छर कहाँ से आ गया साला, कुत्ती का बच्चा। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे टकाटक पे, जहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, लाइक्स और फेम हासिल करने के लिए कपड़े पढ़वाते हैं, लक तुड़वाते हैं, सिर भी पढ़वाते हैं और बहुत कुछ दिखाते हैं। गांधे नहीं सिर्फ गांधे नहीं, गंदगी यहाँ फैलाते हैं, यकियाँ लगाते हैं, बेगैरत हो जाते हैं, बदमाश बन जाते हैं, औकात दिखाते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम सारे मिलके इनको लम्बे पर, ओ मेरा मतलब इन पे वीडियो बनाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताबुन किया। बंद कर रहे हैं। ओए हो, क्या बात है, लेकिन कमेंट्स चेक करो भाई, मुंह तो बंद कर ले, तेरी डेट ऑफ बर्थ तो बंद कर ले। लगता है कि इस कमेंट करने वाले को कोई पर्सनल गुस्सा है इस पे। पुत्री, इसने तुम्हारी नहीं बहुत सौ की जिंदगी खराब की होगी, मेरी इस बात का यकीन नहीं आता, तो कमेंट चेक कर लो, कमेंट में जिनकी जिंदगी खराब हुई है उनमें से एक बंदा कमेंट कर रहा है। सालिया अगूते परे हट। कैप्शन पता इसने क्या दिया, मैं मुर्दे को भी हंसा दूं फिर आप क्या चीज हो। और इस वीडियो पर कमेंट से चेक करो तुम खुद कौन सा मुर्दे से कम हो। माशाल्लाह मोहतरमा, आप हमें डराने और तरह निकालने में कामयाब हो गई। ये डरा सकती है, हंसा नहीं सकती, ये भूत को भी डरा सकती है। बराबरी और भी मुसलिया नाल नशे में लगना है। यार दोस्तों मुझे एक बात तो बताओ कि इसके साथ कौन बराबरी करना चाहता है। बराबरी और मुसलिया नाल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको वन पवन ने मुसलियों से मिलाना चाहता हूँ। नेक्स्ट मुसली, खोते वाला मुसली, दानिश प्री मुसली, हाजी साहब, क्योंकि इसका नाम मैं नहीं ले सकता, और काफी सारे मुसली आ रहे हैं, अभी आपको दिखा दो, टेंशन नहीं ले। हुए वन सोने मुसलियों से मिलाता हूँ, खोते वाला फयाज नफीस मुसली, इसकी शक्ल और नाम सुन के हंस आ जाता है, जुबैर खोते वाला। फयाज मुसली। ये कितने जोर से हंसते हैं। एलेक्स भट्टी के बाद लक्षण। अरे यार ये मेरी बात क्यों नहीं समझते, इनको कोई कहे के नीचे लिखा करो कि मैं इसको कह रही हूँ या ये मुझे कह रही है, लेकिन नहीं, दोनों लहजे समूह बना के चन मेरे मखना ये भी कह रही है, चन मेरे मखना ये भी कह रही है, अबे किसको कह रहे हो। आए हाय हाय, और इसकी तो बात ही छोड़ो ना, इसका कभी बास आना ही नहीं, इसके वालिद लेके गए थे इसको डॉक्टर के पास के भाई इसको क्या मसला है, तो डॉक्टर ने आगे से क्या कहा जरा सुने। आदिल भाई मुझे आपका खच्चा ही लगा रहा है। अदनान, अदनान की कॉल आई थी। सही खेल गया वैसे, आना आदिल ले रहे। आज पता चलेगी जेरी की एज।
सिक्स नहीं छे, वो एज नहीं बता रहा, वो जेंडर बता रहा है, छे छक्का। क्या बात है, जूही चावला की लिपसिंग जूही चावल कर रहा है। क्या सबूत दी है, क्या बात कही है, फॉर यू पे आती है। नहीं, इसका मतलब एक बंदे से 17 किलो चर्च पकड़ी गई है, वो पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल की हेडलाइन में आ रहा है, तो इसका मतलब वो ठीक है। एक बंदा चोर है, वो न्यूज की हेडलाइन में आ रहा है, फेमस हो गया, तो वो ठीक है। एक बंदा कातिल है, फांसी में लगी है, वो हेडलाइन में आ रहा है, तो वो ठीक है। ये खुसरा फारियों पे आके ठुमके लगाता है, ये भी ठीक है। इसके मुताबिक जो भी फारियों पे आता है वो ठीक है। अब है फारियों पे तो ये चीज भी आती है। की हाल है दोस्तों, आ गए ये टट्टी करके। हाँ अब बोलो, ये भी फारियों पे आता है, बताओ ये भी ठीक है। क्या लॉजिक दिया इसने, ठीक है तो मैं ठीक हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। ये इंसान है, हाँ जी, इंसान की बेटे हैं, टेंशन ना लो। देखो यार, चंगे पले जवान जान बंदों से टिकटॉक क्या क्या करवा रहा है। हाय हाय हाय, हाँ जी, कैंसर साहब, सॉरी इन्फ्लुएंसर साहब, ये भी फारियों पे आती है, बताओ ये भी ठीक है। हाँ अच्छा, ओके। दीवानगी मेरी है खुशनसीब तू। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तो समझता था कि तू नेटवर्क पर गया है, तू टीवी पर आ गया है, तू कुछ हद तक काबिले कबूल है, लेकिन तू तो बिल्कुल ही फजूल है। तेरी तो लिपसिंग भी तेरी तरह ऊपर खबर है, मुंह मत ही कोई नहीं उसका। मन पैरों दे विच रोल पावे, तू कखां दे विच तोल पावे, चाहे प्यार नाल ना बोल पावे, बस इन्ना नहीं। ओए इसको क्या हुआ है, अकेले रेस लगा रही है और रेंट पे सेलिब्रेशन भी किया। यहाँ बिल फर्ज अगर कुत्ता पे जाए तो उसे बचने के लिए प्रैक्टिस तो नहीं कर रही। लोग कहते हैं कि फोन तोड़ने से लाइक ज्यादा आते हैं, ये ले फिर मैं तोड़ने लगा हूँ, ये ले फिर, क्या कुछ, ये ले फिर, ये ले फिर, ये ले फिर, ये ले फिर। पता नहीं हमें पागल समझते हैं या अपने पागल होने के सबूत फराहम कर रहे हैं। मोबाइल के पीछे मोबाइल है जो जाहरी बात है खराब है, उसको तोड़ा इन लेला माजनू ने। खराब सेल फोन तोड़ने के बाद असली मोबाइल को अपनी जेब में डालते हैं। आए हाय हाय यार, पेट्रोल डलवाते हुए वीडियो है। वैसे मैं इसको टिकटॉक पे पहली दफा देख रहा हूँ, लेकिन इसको देख के ये जानने में दुश्वारी हो रही है कि ये किस कंपनी से ताल्लुक रखती बोलती है मैं डालूंगी। टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों के लिए यही बड़ी अचीवमेंट है कि वो ये जान ले कि ये रखता या रखती, सकता या सकती, करता या करती। इसके लिए फीमेल का सीगा यूज करेंगे क्योंकि ये लगती है। अब इस मोहतरमा को खुद हैंडल पकड़ के वीडियो बनवाने का तो शौक था क्योंकि लाइक्स आने थे, 100 लाइक्स तो आगे लाखों ठड़कियों के। लेकिन इन लाइक करने वाले ठड़कियों को ये नहीं था पता कि पेट्रोल डालने के लिए क्लच भी दबाना पड़ता है, बस हैंडल नहीं पकड़े रखना होता। तो आज की वीडियो को खत्म करने के लिए हमारे साथ ताबुन किया है। यार देखो लहरा के डांटो ना, तो उस पत्थर के नीचे से निकलो, सब्सक्राइब करो यार, करो, कोई पैसे नहीं लगते भाई, बस 0.00001 न्यूटन की फोर्स लगती है अंगूठे से, और बेल आइकन दबाने से क्या होगा, बस मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले, और तो कुछ नहीं होगा। जब ये सारे मामला फ्री है बिल्कुल, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ यार, गरीब का भला हो जाएगा। कभी किसी का भी भला कर दिया करो, वीडियो देख के चस ले लेते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कोई नहीं यार, ये गलत है। खैर दोस्तों यार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। क्या बात है, थैंक्स फॉर वाचिंग, गजब। काफी ज्यादा फनीएस्ट वीडियोस थे इसमें और फनीएस्ट क्रिएटर्स थे टिकटॉक के, और टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है आज के टाइम में जहाँ पर रोस्टर्स को
तो मतलब रोस्टर्स के लिए तो वो बहुत ही सही, मतलब कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट रोस्टर्स के लिए, तो बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। हाँ, किसको रोस्ट करें, जिस तरह की हरकतें टिकटॉक पे करते हैं वो काबिले डिजर्व करते हैं वो रोस्ट होने के। हाँ, और रोस्टर्स को है ना ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ता इनको रोस्ट करने के। कुछ टिकटॉकर्स बने ही सिर्फ रोस्ट के लिए। ये डायलॉग सही है, इलेक्ट्रिक पट्टी हो गया। और वो इसमें इतने सारे यार फनीस्ट क्रिएटर्स में तो सारे ही ऐसे बताते हैं जिनको आप रोस्ट कर सकते हैं। मतलब ब्रो आपने भी बहुत टिकटॉक पे घूमते होंगे ना ये सब ढूंढने के लिए। मतलब एक टू बी ऑनेस्ट वाली चीज, मैंने आज तक टिकटॉक डाउनलोड नहीं करा, बट टिकटॉकर भी रोस्टेड वीडियो देख देख के इतने टिकटॉक वीडियो देख लिए मैंने, टिकटॉकर्स को जान गया है तो बहुत सारे। ये टिकटॉक डाउनलोड करने का मन नहीं करता। सही है, टिकटॉक मैंने भी डाउनलोड नहीं कराया। मैंने किया था बट मैंने कुछ और काम किया, जैसे हम कभी कुछ अच्छे अच्छे टिकटॉक स्टार्स भी हम उनपे भी रिएक्शन करते हैं। हाँ। तो उसके लिए किया था मैंने। उनके लिए करा था बट इनको देखकर वो करें। डाउनलोड करें, डाउनलोड करें, बट रोस्टर्स को देखकर ही पता चल जाता है ना कि कैसे टिकटॉक बन रहे। हाँ। तो फिर वो कहीं कहीं कभी कभी दिल मानता नहीं। सो गाइस अच्छा लगा हमें, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट